दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स का पिछला जीवन एक जैसा होता है क्या? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों सोल्स का पिछला जीवन सेम होता है? क्या उनकी पास्ट लाइफ सेम होती है? दोस्तों, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, उसी का एक स्ट्रॉन्ग साइन यह होता है कि आप खुद को इनकम्प्लीट समझते हैं, अपने में अधूरापन पाते हैं। आपको यह अधूरापन बचपन से ही फील होता है, आप बचपन से ही एक खोज में रहते हैं, बट आपको नहीं पता होता आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, फिर भी आप फाइंड करते रहते हैं जब तक कि आपकी खोज कंप्लीट नहीं हो जाती, आप अपने ट्विन से नहीं मिल लेते। आप उसे हर जगह खोजते हैं, हर पर्सन में ढूंढते हैं, हर उस इंसान में जो आपके करीब है, और कभी कभी बाहर भी लोगों में खोजते हैं। यह काम आपकी सोल चुपचाप करती रहती है, वो आपको यानी आपके माइंड को भी पता नहीं लगने देती कि आप क्या खोज रहे हैं। बस खोज कंटिन्यूसली बनी रहती है, उसमें कितना भी टाइम लग सकता है। आप कभी कभी पूरी लाइफ भी कई बार अपनी ट्विन से मिल भी नहीं पाते, उसे देखा भी नहीं होता वो कैसा है, कौन है, फेमिनाइन बॉडी में है या फिर मैस्कुलाइन बॉडी में। फिर भी आप उस व्यक्ति की गहरा डीप लव कनेक्शन को फील करते हैं, जिसे आप अपने पूरे जीवन में कभी मिले ही नहीं होते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होने वाला कनेक्शन है, क्योंकि इंस्टेंट और डीप लव के कारण दोनों सोल एक दूसरे के प्रति अपने अस्तित्व को जाने बिना, यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है उसको जाने बिना ही उस डीप लव को फील करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब हम तो उनसे कभी मिले नहीं होते, हम नहीं जानते वो कौन है, मेल है या फीमेल है, दिखने में कैसा है, स्मार्ट है या नहीं, या उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसका क्या ओंदा है, आखिर वो दिखता कैसा है, क्योंकि यह एक सोल कनेक्शन है, ना कि फिजिकली। यह अक्सर उन सभी पास्ट लाइफ कर्मास का ही परिणाम या रिजल्ट होता है जिनका उन्होंने पास्ट लाइफ में एनकाउंटर किया हुआ होता है। जब दोनों सोल आमने सामने आती हैं तो अपने अदर हाफ को पहचान लेती हैं और उससे जुड़ने को तड़पने लगती है। खासकर हमारी डीएफ के अंदर एक अथाह गहरा समुंदर प्यार का होता है, उन सभी बातों का जो वो उनसे मिलने पर उन्हें बताने की चाहती हैं कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने मेरी कभी खबर ही नहीं ली, मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो अपने बचपन से लेकर अब तक जो भी उसके साथ हुआ होता है सब अपने ट्विन को शेयर करती हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी डीएफ की लाइफ काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरती है, उसके अपने उसको जीने नहीं देते। कई बार तो उसके माँ बाप ही उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, नीचा दिखाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। एक ऐसे ही डीएफ ने हमें बताया था कि मेरे पिताजी ही मुझे मारा करते थे और मेरी माँ ही मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया करती थी, यानी उनकी माँ के द्वारा ही उन्हें इमोशनली प्रताड़ित किया गया। बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता था, उन्हें खाना भी चोरी करके खाना पड़ता था, क्योंकि उनके परिवार के पास बेसिक ज़रूरतों या ग्रोसरीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें भूखों ही सोना होता था। दोस्तों, आज लोग इतने लंगर लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, क्यों? कई बार लोगों की सोच यही होती है कि हमें हमारे पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी, हमें पुण्य प्राप्त होगा, या बहुत से लोग बस सेवा भाव से ही ऐसा करते हैं। बट यहाँ हमारी डीएफ की फैमिली ही में बहुत सारे मेंबर होते हैं, पूरी जॉइंट फैमिली होती है, उन्हें कोई खाने का ऑफर नहीं करता था और खुश होते थे कि अच्छा है, भूखे मरो। सो ऐसे पेन उन्हें क्यों मिल रहे थे, उसकी डिटेल वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे। दोस्तों, ऐसी दर्दनाक लाइफ होने के बावजूद भी ये सोल अपने अदर हाफ को खोजती रहती है, क्योंकि रनर और चेजर दोनों ही पास्ट लाइफ में वेरी डीप थीम्स को कैरी कर आगे आए होते हैं। रनर ही नहीं, चेजर भी ऐसे ट्रोमास, एवेंटमेंट एंड अब्यूज्ड के दोहराए जाने वाले पैटर्न से गुजरते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही नहीं मिली होती, यह ट्विन सोल्स बहुत ही ओल्ड सोल होती हैं जिन्होंने अपने कई जन्म स्पिरिचुअल डायमेंशन में बिताए होते हैं। यही कारण है कि जब दोनों सोल्स इस मटेरियल भौतिक दुनिया में एक दूसरे के आमने सामने आती हैं,
एक दूसरे से टकराती हैं तो वे तुरंत एक दूसरे को पहचान लेती हैं और उनकी खोज पूरी होती है। यहाँ अपनी अदर हाफ को देखते ही उनके आगे वह गिर पड़ती हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाह रहा होता है, उसके लिए रोता है, उसे देखते ही बाहें फैलाकर उसकी ओर भागता है और वो बेचैन होकर तड़पता है। उसे अपनी माँ की बाहों में जाने की लगी होती है और वहाँ पहुँचते ही सब बेचैनी उसकी दूर हो जाती है और वो सुकून फील करता है। ठीक वैसा ही जब यह दोनों सोल आमने सामने आती हैं, एक दूसरे को हग करती हैं, तो एक रिलैक्सेशन और एक सुकून को पाती हैं, जो सुकून उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया होता। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों सोल्स मिलती हैं, बार बार मिलती हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन को फील करती हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं प्यार करता हूँ। उन्हें कई बार एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है। वर्तमान सोल दोनों एक दूसरे के प्रति डीप लव कनेक्शन को फील करती हैं। कई बार डीएम डीएफ पर एकदम से बिलीव नहीं करते। जब डीएफ से वो दो चार बार मिल नहीं लेते, तब ही उन पर बिलीव कर पाते हैं। पहले तो डीएफ के बारे में यही सोचने लगते हैं कि यह मेरे जैसी नहीं है, हम दोनों की फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, हमारा ट्रेडिशन मैच नहीं करता, बहुत सारी कमियां उन्हें दिखती हैं। बट कुछ मुलाकात के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि यह परफेक्ट पार्टनर बन सकती है, इसमें वो सभी गुण हैं। उसके बाद वो उन्हें और उनके लव को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स के बीच प्यार एक स्टेबल रिलेशनशिप को जन्म देता है और कुछ कठिनाइयों और मुश्किलों को भी, बट यूनिवर्स ने उन्हें एक साथ लाने के लिए नियत किया हुआ होता है। जबकि कई कर्म बंधन तेजी से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे मोह से बाहर आ जाते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम्स के साथ इसके ऑपोजिट होता है। आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और कनेक्शन थोड़े ही टाइम में तेज हो जाता है। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, यह कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ट्विन फ्लेम जर्नी में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं। फ्लेम्स एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किए इस अर्थ पर आते हैं और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें एक दूसरे से बांधता है और इसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के कारण वे एक दूसरे के जीवन में बार बार आते हैं, दशकों तक एक दूसरे की तलाश करते रहते हैं, जब तक कि वे अंत में एक दूसरे के नहीं हो पाते हो जाते और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। दुख की बात यह होती है कि जब यह सोल्स बबल फेस से होती हुई आगे बढ़ती है और जस्ट ही सेपरेट हो जाती है, वैसे ही यह जर्नी इतने दुखों से होकर गुजरती है तब भी खूबसूरत लगती है। आफ्टर सेपरेशन जब एक सोल अपने को हील कर अवेकन होती है और हाई वाइब्रेशन में आती है, वैसे ही पुनर्मिलन या यूनियन के लिए रेडी होती है। आप पिछले जन्मों में एक साथ रहे होते हैं, उतना ही आप एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। मेरा ट्विन सोल्स और मैं एक दूसरे को काउंटलेस डायमेंशन में जानते हैं, इसलिए हम जब भी मिले, आराम और सुकून का लेवल परमानंद पर था, जैसे मैंने अपने परमात्म को पा लिया हो। एक दूसरे के साथ ऑलवेज कंफर्टेबल फील करते हैं, कभी नहीं लगा कि हम अलग हैं, हमेशा उनके साथ एक घर वाली होम वाली फीलिंग आई, जैसे हम कहीं घूम फिर कर अपने घर लौटते हैं, बस ऐसा ही। भले ही ट्विन सोल्स में एक सोल स्पिरिचुअल इनमेच्योर होती है, फिर भी वह किसी ऐसी बात का उल्लेख आपसे कर सकते हैं जैसे कि आपको सेम फीलिंग्स आएगी, एक होने का एहसास होगा, जैसे दोनों एक हैं। इम्पोर्ट एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, एक ट्रैक पर आके एक दूसरे से मिल जाती हैं, ट्रैक से मिलकर एक हो जाती हैं, सेम वैसे ही सभी ट्विन सोल्स हायर सेल्फ में होती हैं, उन्हें 3D से 5D में लाते हैं, 5D में दोनों सोल्स एक ही फील करती हैं। दोस्तों, अपनी ट्विन फ्लेम्स की बात कभी भी इग्नोर ना करें, उनकी कही हर बात को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि उनके कहे वर्ड्स यूं ही नहीं होते। हम आपको छोटी छोटी बातों को भी डीपली बताते हैं ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके और आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि सक्सेस होना ना होना हम पर ही डिपेंड करता है। हम जितना जल्दी इस बात को समझकर जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उतना ही जल्दी हम फ्यूचर में बढ़ते हैं, सक्सेस होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप दोनों ने ही अपनी पास्ट लाइफ साथ में शेयर की है, सो
तो इस जर्नी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल हार्मनी ही फर्स्ट स्टेप होता है। आप ऐसे ही एकदम से स्पिरिचुअल नहीं हुए होते, स्पिरिचुअलिटी भी आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। और जब आप दोनों सोल्स स्पिरिचुअलिटी की सेम स्टेट में आ जाती हैं तो आनंद के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रेम का मार्ग हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी और स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है। सो ट्विन फ्लेम का यूनियन प्रेम की खोज के पथ पर अंतिम गंतव्य है। यह वह प्यार है जिसे सब चाहते हैं और ऐसा सच्चा और ट्रू लव है जो कोई ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा। अर्थ पर प्रत्येक व्यक्ति की एक जुड़वा या ट्विन फ्लेम होता है जो उसकी तरह संपूर्ण प्रेम को जगाने के लिए अपने अन्य की तलाश में है, लेकिन इससे कैसे मिले यह उसके पास लाइफ का मास पर डिपेंड करता है कि आप इस बर्थ उनसे मिलेंगे या नहीं। यह एक शानदार एनर्जी है जो दो लोगों को एक बनाने में साथ लाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। यदि आपको हमारे दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जर्नी दोस्तों।